नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे आप गूगल ड्राइव में किसी भी डेटा को जो है ऑनलाइन कह सकते हैं और उसको ऑफलाइन के मोड में रख सकते हैं। और जब भी आपके पास दोस्तों कभी जब कनेक्शन नहीं होता है, इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है, तब भी आप उस फाइल को कैसे यूज़ कर पाएंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, अपने ड्राइव पर चलना है। ड्राइव पर जाने के बाद आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है, उस फाइल फोल्डर के पास जाना है जिसको आप चाहते हैं कि इंटरनेट ना होने पर भी हम उनका यूज़ कर सकें। अभी दोस्तों मान लीजिए मैं ये सर्टिफिकेट के फोल्डर में चलता हूँ और फाइनल में जाने के बाद मान लीजिए कि जो पहला ही सर्टिफिकेट है अग्रसेन यूनिवर्सिटी, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है। तो देखिए ये ओपन हो गया है और मैं अभी जो है यहाँ से डेटा को बंद कर देता हूँ। डेटा बंद हो जाने के बाद मैं जब इसको ओपन करूँगा तो देखिए ये सभी ब्लर हो गए हैं और अब ये जो है क्योंकि एक बार हमने लोड किए हुए थे तो ये यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन ये जितने भी आपको ये ब्लर दिख रहे हैं, इनका मतलब ये है दोस्तों कि ये अभी डेटा इंटरनेट ना होने के कारण, देखिए नीचे लिखा आ रहा है नो कनेक्शन रिट्राई। अब आपको करना क्या है, आप जब इंटरनेट ना हो और आप चाहते हैं कि ये हमें फिर भी ओपन हो जाए, तो आपको जब आप इंटरनेट चला रहे हो तब इस तरीके से आप ये जो तीन डॉट देख रहे हैं आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ राइट टॉप में जो आपको तीन डॉट दिख रहे हैं यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मेक अवेलेबल ऑफलाइन जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, फाइल विल बी मेड अवेलेबल ऑफलाइन। अब ये फाइल जो है ऑफलाइन अवेलेबल आपको रहेगी, ये ऑफलाइन मोड में बना दी गई है। अब मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद मैं इंटरनेट को फिर से बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद हम चलेंगे दोबारा से सर्टिफिकेट फोल्डर में, यहाँ फाइनल के ऑप्शन में जाते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी हमारे सर्टिफिकेट हैं उसमें अकेला पहला ही जो सर्टिफिकेट है वो आपको ब्लर नहीं दिख रहा है और वहाँ पर एक आपको टिक मार्क का साइन दिख रहा है जो कि ऑफलाइन का साइन है। अब आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फोल्डर और जो फाइल है सर्टिफिकेट है ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड में दिखेगा। इंटरनेट आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि कुछ फाइल्स आपकी ऑफलाइन हो गई हैं, उन्हें दोबारा से ऑनलाइन मोड में रखना और ऑफलाइन में आप अपने डेटा को भरना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप जब आपका डेटा नेटवर्क कनेक्शन आ जाए तो आप उस पर्टिकुलर फाइल पर क्लिक कीजिए जिसको आपने ऑफलाइन बनाया था, और ये तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद अवेलेबल ऑफलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब ये नो लॉन्गर विल बी अवेलेबल ऑफलाइन, अब ये पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है और डेटा पैक ऑन जब रहेगा तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप जो भी फाइल फोल्डर देख रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको आप ऑफलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, आपको करना क्या है, आपको इन तीन डॉट पर क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन दिख रहा है मेक अवेलेबल ऑफलाइन यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो वह डॉक्यूमेंट रहेगा ड्राइव पर लेकिन ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल रहेगा। डेटा पैक रहे ना रहे, आपका फाइल जो है हमेशा ओपन रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये ड्राइव से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।